जय जगन्नाथ। कौन माँ आपण का नाँ टिके कहते? मो ना कुन्नावती दोलई। कौटू आसचंती? नीलगिरी बालेश्वर। नीलगिरी पंचलेश्वर। नीलगिरी बालेश्वर। बालेश्वर नीलगिरी पाखरे अनुभूति अछि? हां। कौन अनुभूति अछि? कोडर बाघर हेतला बाना बांधिले पिला रहितला बोडर डेलीवरी हेतने ना बाना बांधथांती 5 मास हेतला दीटा पिला रहिला पुओ पिला नष्ट होइला पेट्रो डाक्टर कहला ऑपरेशन हेजो मु ऑपरेशन करते देलिनी मु कनी प्रभु मो अखंड दीप जाली की नोड़िया गुटे रथुई देले मु कनी मोर जदे सक्सेसफुल डेलीवरी हे जाउ जहा तो गला गला दीटा पिला तो जन्म कर परिबो ने 19 वर्ष रो झियो आ नहि जाउ मु बाना बांधेमी आज आसतिनी नुआ वर्ष काले तो रोही चाहे आ बाना बांधी के गली आ खाइला बेले प्रसाद आसी के खाइले बाना बांधा सरला सरला हां प्रसाद खाई सरला बेले प्रसाद सब मिसिक आमे खाउचे भौणी आसी म झियारी बे तागर तार बे स्टोन हे ए पेटर तंटी रोई हेतला झियारी रो भौणी रो झियरो तार भोल हे जी फेर ऑपरेशन हो बोले डाक्टर कहिला मु तू चा बाना बांधिबो भोल हे जीवो तार भोल हे जी आसी से कोज मते नाजमान छु मठी जिमे आसी जड़े प्रभुंर कृपा पाइबापर आउ जन को से मार्ग में आनी थाए ये हूँ प्रभुंर लीला जड़े पता बांधि मानसिक करने द्वारा से समस्या दूर होती आउ जन को प्रोत्साहन दे पता द्वारा ही तोर समस्त कार्य सिद्धि हम समस्त सफलता पाइबे तेणु ये भावना अन्य को प्रभावित करवा अन्य को ये विश्वास जन्मेवा आप खुशी हमें हाँ तार मन भारी खुशी समस्त घेनिक आमी की पुह को आपको समस्त घिनी आसी बड़ पुओ टे दुष्टामी होगा मोर बाना बांधेमी 22 बाउचर गोड़ेमी आज भी गोड़ी आल होने आसिक आउ थे बाना बांधेमी आज खाई सार खाइला बेले गोटे लोकटे आसला धड़ा होकर सबन बनई मत कहला माँ आ मत कि खाई दे मो पु को बो को बस आम भौणी मुँह बस मो झारी बस पु घिनी खावाक मुक्ति मुझे से कहला ना मुझे खाऊ तो ना तू से ओंठा हाथ दौनी मत 100 टाँगा तो मनी पर्स खुलिकी मुझे मुझे कहने ना मुझे खाई ना ना से सब ना तू मत दे शहटा टाँग देनी मुझे पछे पछे कहने देखा लोकटा किए ना मुझे पूरी की आसती महाप्रभु को अनुभव करने को जहा हौ लीला महाप्रभु को अनुभव कर गोटे लक्ष्मी पुराण गोटे धन्यवाद दबा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। प्रभु पाखे आम आसवा प्रणाम करवा प्रभु प्रभु को ही प्रणाम कर समस्त दुख कह आ नुह से कहवापी आसी अनेक भक्त तांकर अनुभूति जय जगन्नाथ। कौन आप ना टे मो ना शुभश्री पटनायक गंजाम जिला भीष्मगिरी आसी दर्शन करके घर को जी ये गोटे दर्शन गोटे मन भितर चिंता रहे कहीं दर्शन करने को इच्छा हुए से कथा कई जानतु न जानतु कि मन पड़ जाए कालियांकर से रूप स्वरूप आज्ञा कालियांकर ठाकुर को तो जिते देखिले भी मन भरे मुत ए वर्ष 2023 वर्ष चारिथर आसली एमर किसी आसबार नाला ये पूरी को किंतु हट मु भगवान को कहीदे भगवान जदि तुम डाकरा अच्छे तो ताल मुझे तुम पाखक आसबी तो भगवान मत डाकिले तो मुसली देखा दर्शन पाई प्रभु को कहले जदि आप डाक मुझे प्रकृत में भक्त मान को जिते भक्त सब आसती से प्रभु डकर आज्ञा भगवान डकर ही समस्ते आसती मु 2008 रे जितेबाला 8th क्लास पढ़ी लास्ट थर पर भगवान को देख दर्शन करी पूरी आसती 2008 रु 2019 जाए मुझ जमारू पूरी आसनी मुझ भावी मुझे एत पापी मु भगवान को दर्शन कर पारूनी आ थे 2019 जब मोर बाहर है से वर्ष 2019 आज 2023 है प्रत वर्ष मुसे ठाकुर को दर्शन कै मत लगे जाऊ मु किसी तो पुण्य करी भगवान मत प्रत वर्ष पूरी को लेकिन आसुंच जो माने पूरी के आसंति पुण्य करथिबा लोक आसंति ना पाप करथिबा लोक आसंति ने सेमिति त न आमे मध्य पाप करिजे समस्त पाप पुण्य करिसंति किंतु पाप भगवान को आगरे आसी कि जदि आमे किछि हात जोड़ के भागीबा त ताले किछि त हमर पाप क्षय हो जाय भगवान को दांड रे ए जो पुरी रे जदि हमर पाद पड़िबो त किछि पाप क्षय हो जाय मु जानि एबे भी ए विश्वास रहिछि भक्त भक्त मानकर ए दांड रे पाद दउ तो समस्त पाप हरण करंति महाप्रभु समस्त पाप क्षय हुए ये क्षेत्र में पाप क्षय क्षेत्र बोली कह जाए ठीक बुझी ठीक जानी ज्ञात अज्ञात पाप रही अनुभूति आपंकर कहत एत कथ क्षेत्र संपर्क जानी प्रभु अनुभव संपर्क जानी निजर अनुभव कर दिन टी मन पका कहत हाँ मुझे जिते बड़े पंचम श्रेणी में पढ़ु थी
मते रातिर खाली माने भूत स्वप्न ही आसे भूत माने मते खाली बेक गुडा को चिपी दियंती कुओं भितर बहुत सारा भूत मिसिक मते कुओं भितर पके दियंती हेले गोटे दिन 12टा गोटे बळे मते एमते स्वप्न आसला हठात मु उठि गली एते भयंकर स्वप्न थिला हेले मते आगरे मो आखी आगरे जगन्नाथंकर फोटोटे देखा गला मु जगन्नाथंकु कांदी कांदी भगवान मते एते एते भयंकर स्वप्न मु काहे की आसुची मते भगवान केमिति ए भयंकर स्वप्न रु मुक्त कर दियंतु मु भगवान को कहली भगवान को डाकी डाकी कांदी कांदी मु सेमती सोई पड़ी मते सेही दिन पाहांत्या 4टा कि 4टा आधेरे मते स्वप्न पुणी थरे स्वप्न हेला मते जगन्नाथ ठाकुर बलभद्र आ माँ लक्ष्मी मते तांको कोळरे नेकि बसैचंदी मते अभडा खुई दउचंदी आमे समुद्र रे जाई खेलुचु आते स्नेह से माने मते करुचंती मते तांको कोळरे बसैकि मंदिर भितर नेकि बसैचंदी ता परठु मु से स्वप्न देखि बहुत खुशी हेगली मो निद भी भांगी गला से दिन मु केबे भी भूली पारिबिनी से दिन ता परठु मते आज जाए केबे भी भूत स्वप्न आसीनी जदि बा किछि आसी मते मु जानिनी भगवान मते हाथर गोटे कोन बोते फूल दे दीचंदी जदि बा किछि आसे मते स्वप्न रे ही मु से फूलटा को एमते पकेई देले से भूत गुडा कोडे पळे जांती कोडे गायब हो जांती से दिनटु मते भय भी पळेला ना भूत भी कोनोसी भयंकर स्वप्न भी आसीनी एटा मोर सबुटु बड अनुभूति प्रकृतर भक्त जत भक्तिर कथा कही था आमको गप भाया लगे कि गप नुह बास्तव एमती अनेक अनुभव करमको अबास्तव ता ही बास्तव कहीं गप नुहे ये सत्य कथा भूत जिते बड़े आपल से ही दिनुट महाप्रभु एमती आपन को स्नेह ममतार बांधि बा महाप्रभु कृपा कर भूतर स्वप्न केवे भी आउ देखुना आसीनी से दिन उठ भी भगवान को प्रति भगवान को मोर सबकि भाभीदे से समय मुझे छोटी एत कि भगवान खाली मत मैं पूजा कै कि एत भगवान कालिया ठाकुर प्रति मोर एत भी किसी नाला से दिन उठू मोर सबकि भाभीदेली बापा माँ भाई बंधु स्वामी सखा मुझ सब भाभी देखिए जगन्नाथ को जगन्नाथ को आगे भावु ना कि पूजा कर किंतु एते भी मन रे मते सेमिति किछि आसु नथिला सेथि लागि बोली कि ना मु केबे पूजा करे किंतु एते भी एबे जो प्रकार रो मु भगवान को ऊपर मु निजो को समर्पण कर दे छी सेमिति मु से समय रे नथिली भूत न आसे आपण जगन्नाथ को न पांति हां सेमिति किछि नै मु मन पके किंतु एते जो समर्पण हेई जाय छी बोधु सेमिति हेई पारि नथांदि हौ भूत आ न आसंतु कारण आमे जानि छ हनुमान को नाम दहिले भूत पिचास के आसंति नै भूत पिचास निकट ना आए महावीर जब नाम सुनाए कि जगन्नाथ आपन को से भूत प्रेत रु रक्षा कर दुस्वप्न देखुं भयर स्वप्न देखुं आ देखुना प्रभु स्वप्न देखत प्रकृत जगन्नाथ स्वप्न देवता स्वप्न देखिले खुशी लगे आज्ञा मु बहुत थर जगन्नाथ देवता स्वप्न भी बहुत थर देखी आ मत कौन एत मत खुशी लगुचे से स्वप्न गुड़ाक देखिले एवं बहुत थर देवता मान भगवान गुड़ाक स्वप्न ही मत आसे हाउ देवतांकर स्वप्न ठाकुरंकर स्वप्न देखिले ही भल गोटे लक्ष्मी पुराण आपन को दिया हबो जय जगन्नाथ टीवी पक्षर ग्रहण करिवे धन्यवाद देवी जय जगन्नाथ प्रभु आहरी अनेक भक्त भक्ता माने आज उत्कंठार सहित भक्तिर कथा को प्रकाश करिवे जय जगन्नाथ कौन आपण को ना कौन सुप्रभा साहू मु चंदका भुवनेश्वर रु आसी जी चंदका भुवनेश्वर चंदका चंदका जंगल हां चंदका जंगल भुवनेश्वर जाउ छी आउ जंगल ना ना ते आउ जंगल ना जगन्नाथ को दर्शन करने आज के प्रबल आग्रह आसला गोटे भगवान गोटे डोरी मो प्रति आसला केमी हटात बाहर की आसली मुझे निजे भी जानी ट्रेन आसिकी भगवान को दर्शन करने आसीचे दर्शन सरी कि दर्शन करने जाऊँ दर्शन करना मन भितर दर्शन उत्कंठा रही किंतु भक्ति कथा प्रति टिके दुर्बलता रही केमी भक्ति कथा टिके अनुभव कथा कह कहतु कौन अनुभव कथा कह थे प्लस टू रे पढ़ुली मो मामू को सहित मुझे जगन्नाथ मंदिर पूरी दर्शन करने किंतु एत भिड़े मुझ जगन्नाथ को दर्शन ही करें हटात जड़े आम कहल घर को ही पलू आ जगन्नाथ को दर्शन कर पार्बुन घर को पलू से जो नना आसिकी मैंने आम जाऊल भरी सी भगवान रूप से सतरे आसते जगन्नाथ रूप से सी आसिक आमको हाथ धरिक कहले ना तुम्हें चल मु तुमको जगन्नाथ को दर्शन करदेवी सी आम हाथ धरिक नहीं गले जगन्नाथ को दर्शन कले आबड़ा भी भले मैंने दे मैंने कि पैसा ने कि नहीं आमको दर्शन करदे से खुश गोटे मोर गोटे अनुभूति आम फेरी जाऊल जगन्नाथ आमको दर्शन से नना रूप से आमको जगन्नाथ दर्शन कराइले मंदिर।
ये भी गोटे सुंदर अनुभूति कथा आपण कहले जे चिंता करिथाय दर्शन करबा को न करि पारे जेतेबे फेरी जाउतले मन कष्ट लागुतला हाँ बहुत कष्ट लागुतला मन मोर तथापि से भगवान ऊपर आसिक मो हाथ धरिक से नहीं गले मामू को मत नहीं कि दर्शन करके आनले से मोर गोटे बड़ जीवन सारा अनुभूति रहीगला एथुर आपण कौन गोटे शिक्षा पाइले अनुभूति भगवान भी सत्य अच्छा आम पाखे पाखे भगवान अच्छा सत एवं समस्त दुख से सी ठिया हूँ सत हूँ सतरे भगवान ही सब जगतनाथ सी जगन्नाथ सी सब आम पाखे पाखे अच्छा आप घरे ठाकुर को पूजा करते जगन्नाथ को लक्ष्मी की आउ अन्य हाँ जगन्नाथ को पूजा करे आज दिवस वर्ष शेष हो गला 2023 ए शेष दिवस दर्शन कर नुआ वर्ष किसी नुआ कथा आज मागिदे एमती समस्त भगवान मंगल करूँ समस्त भल रखु आउ समस्त जीवन सुखमय हो सही ही मो भगवान पाखे कामना हाँ धन्यवाद देवी आपन को गोटे लक्ष्मी पुराण देवी जय जगन्नाथ प्रभु आनेक भक्त अच्छा आम स्वागत करवा से भक्तिर कथा प्रकाश करने को जय जगन्नाथ माँ जय जगन्नाथ आपण ना कौन पुष्पलता महांती कौट आस हैदराबाद रु आप घर ओडिशा हाँ आसचु तो पुअर एमती देह खराब होगा डेंगू हो गला जगन्नाथ को बारंबार स्वप्न देखिली जगन्नाथ को डाकबारु पु सुस्थ होला हेबारु मुझे आज जगन्नाथ स्वप्न होला जे तू आसे मंदिर देखिबो दर्शन मते बारंबार दर्शन होला दर्शन करी आज तुलसी माळ देकर भगवान को आसिली दर्शन सहित तुलसी माळ देले ए तुलसी माळ प्रदान करबा महाप्रभु को ए भावना चिंता आसिला आसला जगन्नाथ पुअर देह भल है मुझे आसी पार नी तापर से जगन्नाथ बारंबार स्वप्न रे मत देखा जमी माल देकर आज अभड़ा खाई इन्हें दर्शन करके आसिक पुअर देह कौन होता एमती आप चिंतित पड़ते गोटे डेंगू हो जाता डेंगू रोग भल भल है मत उठी बसी पार नी बहुत कष्ट पाला जगन्नाथ को बहुत बारंबार स्वप्न रत देखा जगन्नाथ भल कर दि मुझी से बाध्य आज आज आसी आज की आस दे तुसी माला भल हो गला पु पुअर सुस्थ कामना नहीं महाप्रभु को जाची तेणुक आसिले क्षेत्र बुलिले दर्शन कले ये तो गला पु कथा निजर परिणत बयस आसला निजर अनुभूति गोटे कह मोर आँ अनुभूति दे सी तो जगन्नाथ सब सका सन्ध्या जाए टी देखुची से भक्ति सब कर जगन्नाथ कर ए समय रे ए बयस रे प्रभु नाम प्रभु दर्शन ये सब दरकार आपण को सब देखुची जगन्नाथ को केते थर देखिकी प्रणाम करते घरे घरे सब जिते थर देखे ये आलती जो सका आलती पतिव्रत पालन कर आलती सब देखे घरे एते भोर को उठी जाती हाँ आगो मैं निद भांगी शोत कि कपड़ा धड़ मरुच्छे रात समेत कहते कहीं रात उठु कि बाध्य मो निद भांगी जा जगन्नाथ आलती न देखिले मुझे जिते शो चेषा करूँ जहाँ कपाट धड़धड़ कर कि गोटे किए डाकुची कि उठिकी सांगे सांगे मुझे जगन्नाथ मंगला आलती सब दिखर सब बेश श्रृंगार सब देखी घरे रही कालिया दर्शन पाई पुण्यता अर्जन करवा महाप्रभु कृपा लाभ करवा बड़ आनंद बहुत आनंद हाउ प्रभु पाखे सेमती मन थाउ पुअर परिवार समस्त सुख महाप्रभु करंतु दुख सब हरण करंतु गोटे लक्ष्मी पुराण आपन को दिया हम जय जगन्नाथ आउरी अनेक भक्त से भक्तिर कथा जय जगन्नाथ कौन आप ना जय जगन्नाथ मीनदी प्रधान नयगढ़ मारी अनुभव कहवापी आप दर्शन दर्शन करने दर्शन कर सारे महाप्रभु को बहुत अनुभूति आज्ञा जगन्नाथ कहले न सर करुणा अपार करुणा मुझे बंचीचे गलीजुगे ना मरीजी जगन्नाथ बिना मु बहुत जगन्नाथ को भल पाए भगवान तो ये कष्ट पाई आम तो सार नर बहुत भक्त भाव ठाकुर मोर मो ठाकुर घरे मत देखा दिखे जगन्नाथ ठाकुर ठाकुर घरे आपण ठाकुर को दर्शन करती ये तो निश्चित भाव जो आसी पुरी की प्रभु को दर्शन पर कार्यक्रम को आभव कहवापी कहले आपण निजर अनुभव टी अनुभव आज्ञा आसी कार्तिक मास एकादशी
ପଡ଼ିଗଲି ଆସିଥିଲି ପୁତୁରାଟେ ହବ ବାଇକ୍ରେ ଧରିକି ଆସିଥିଲା ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିଦେବ ବୋଲି ପଡ଼ିଗଲି ଆଜ୍ଞା ଯେ ଛିଡ଼ି ଛାଡ଼ିଗଲା ଚିହ୍ନ ବି ଅଛି ଟେଣା ମୁଁ ଭାବିବି ଚୁଡ଼ି ନଥିଲା ବି ହାତରେ ତୁଟି ଯାଇଥିଲା କହିଲି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆସୁଛି ଟିକେ ଦେଖା ଦର୍ଶନ କରିବି ତୁମକୁ କାହ ଏକାଦଶୀରେ ମୋତେ ତୁମେ ଅଧା ବାଟରେ ମାୟା କରିକି ଛିଡ଼ି ଛାଡ଼ିଗଲି ଚୁଡ଼ି ନାହିଁ ହଉ ଯଦି ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବି ତୁମକୁ ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି ମୁଁ ବାହାରିଛି ମାନେ ଯିବି ଛିଡ଼ୁକି ଯେ ଅଧା ଜୀବନ ଗଲେ ବି ମୁଁ ଦେଖିବି ତୁମକୁ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲି ଆସିଲି ବହୁତ ଗହଳି ସେମିତି ଭକ୍ତ ଧାଡ଼ି ଲାଗିଥାନ୍ତି ସେମିତି ହାତ ମାଡ଼ ହେଇଯାଉଥେ ପଡ଼ୁଥେ ଝାଳ ବାଜି ମୁଁ କହିଲି ହଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଭରସା କରିକି ଚାଲିଲି ତୁମେ ଯାହା କରିବ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ପୀଡ଼ା ଦର୍ଜ ହାତରୁ କିଛି ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏତେ ମହିମା ଆଜି ଆସିଲି କହିଲି ପ୍ରଭୁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବିନି ତୁମକୁ ଏତେ ଭିଡ଼ରେ ଏମିତି ଦର୍ଶନ ଦେଲେ କାଳିଆ ଠାକୁର କୁହନ୍ତୁନି ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ ଦର୍ଶନ କଲି ଅଭଡ଼ା ଖାଇଲୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାକ ଆଉ ମୋର ପୁଅଟିଏ ଝିଅଟିଏ ଆଜ୍ଞା ପରିବାର ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଖୁସି ଦେଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କାଳିଆଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣଟିଏ ନିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆହୁରି ଅନେକ ଭକ୍ତ ସେଇ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର କଥା କହିବା ପାଇଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଗୌରୀ ଗୌରୀ ମଣ୍ଡଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦା ମୁର୍ଗାବାଡ଼ିରେ ଆସିଛି କେବଳ ଆସିଛନ୍ତି ପୁରୀରେ ରହିବେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବୁଲିବେ ଯିବେ ହଁ ସେତିକି ସେତିକି ଆଜି ଆଣିଥିଲୁ ତୁଳସୀ ଫୁଲ ଆଣିଥିଲୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଲା ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିଗଲୁ ବୋଲି ତୁଳସୀ ଫୁଲ ଆଣିଛି ଦେଖେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ ସବୁଦିନ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରରେ ଦିଏ ଆଜି ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଖରେ ଦେବି ଯେମିତି ସିଏ ନିଅନ୍ତୁ ମୋ ହାତରୁ ସତୁସତ ନନା ଜଣେ ଆସିଲେ ଆସିକି କହିଲେ ମା ଫୁଲ ଫୁଲ ତୁଳସୀ ଦିଅ ତୁମେ ଆଣିଛ ପୁଣି କହିଲେ ସେଠୁ ମନେ ଜାଣିଗଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନ ନିରାଶ କରନ୍ତିନି ସେ ଫୁଲ ତୁଳସୀ ନେଲେ ପହିଲି ଭୋଗ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆମେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଲୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଛନ୍ତି ପହିଲି ଭୋଗ ବି ମିଳିଲା ମାନେ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା ମାନେ ଆଠୁ ଆଉ ଅନୁଭୂତିରେ କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଖାଲି ଏତିକି ପ୍ରଭୁ ଘର ପାଖରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ କହିଥାଉ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ଭଲରେ କରି ଦେବୁ ମୋର ଆଉ କିଛି ଲଡ଼ା ନାହିଁ ଖାଲି ଟିକେ ଚକା ଆଖି ଭଲ କରି ଦର୍ଶନ ଦେବୁ ମୋର ସେତିକି ହିଁ ଇଏ ସେ ତ ସର୍ବସ୍ୱ କ'ଣ କହିବି ତାଙ୍କୁ ହଉ ସେ ତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଯେମିତି ଘରର ମୁରବୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସବୁ କିଛି କଥା କୁହାଏ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ସେମିତି ତାଙ୍କ ପରମିସନ ନେଇକରି ତାଙ୍କୁ ଘର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକରି ସବୁ ଆସିଥାଉ ଏହି ହେଲା ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇଏ ଆଉ କ'ଣ ଆତ୍ମାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହିଁଥାଏ ପରମାତ୍ମା ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଏ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ ମହାପ୍ରସାଦ ପହିଲି ଭୋଗ ପାଇବେ ଏସବୁ ଭାବନା ଘରୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆସିଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ସମସ୍ତ କଥା ମହାପ୍ରଭୁ ପୂରଣ କରିଦେ ସବୁ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ଆର ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ ରଥରେ ଆସିଥିଲୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲୁନି ସମସ୍ତେ ପେଲି ଦେଲେ ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆସିଛି କ'ଣ ଟିକେ ତୋତେ ଦେଖିପାରିବିନି ସେଠୁ ଜଣେ ପୋଲିସ ଭାଇନା କହିଲେ ଯାଅ ମା ଯାଅ ଯାଅ ସେପଟେ ଯାଅ ଯାଇକରି ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସ କି ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ କଲିନି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି ଦେଖିକି ଦର୍ଶନ କରିକି ମୋର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁକୁ କେ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଡରି ଲଗେଇକି ଆଣିଥିବୁ ଆଉ ତୋତେ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ଦେବୁ ମୋର ଆଉ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଲୋଡ଼ା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କେବଳ ଦର୍ଶନ ଲୋଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ମାଳ ଘରୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ବାରିରେ ତୁଳସୀ ଲଗେଇ ହଁ ବାରିରେ ତୁଳସୀ ଲଗେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ ସବୁଦିନ ପୂଜା କରେ ପୂଜା କରିକରି ଆସେ ତୁଳସୀ ମାଳ ଯେତେବେଳେ ଆଣିକି କେଉଁଠି ଦିଅନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଆଣିକି ସବୁଥର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରରେ ଦିଆହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏଥର ମୁଁ କହିଲି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମୁଁ ନିହାତି ଦେବି ତୁଳସୀ ଫୁଲ ବାଡ଼ିରେ ଫୁଲ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ନିଜେ ଲଗେଇଛି ଲଗେଇକି ତୁଳି ଆଣିକିରି ଦେଇଥିଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ବି ଗ୍ରହଣ କଲେ ନନା ନେଇକି ଗଲେ ଭିତରେ ପୂଜା କରିକି ଲଗେଇଲେ ଦର୍ଶନରେ ଯେତିକି ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି ତାଠୁ ଅଧିକା ଯେତେବେଳେ ତୁଳସୀ ଆଣିଥିବା ତୁଳସୀକୁ ନନା ପଣ୍ଡା ସେବକ ନେଇଯାଆନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆହୁରି ଖୁସି ଲାଗେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେମିତି ସତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋ ହାତରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏହା ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ 2023 ସରିଗଲା ଆଜି ଶେଷ ଦିନ କିଛି କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କିଛି ମାଗିଲେ ମାଗିବି ସେ ତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମାଗିବାର କ'ଣ ଦରକାର ତାଙ୍କ ଚକା ଆଖି ଦେଖିଲେ ତ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯିବା ହୁଏ ଯାହା ଘରୁ କହିକି ଆସେ କେବଳ ଘରୁ କହିକି ଆସିଥାଏ ଆମେ ଭଲରେ ଯାଉଛୁ ଭଲରେ ନେଇକି ଆସିବୁ ସେତିକି ଆମର ଦରକାର ଆଉ କିଛି ନା ଆଉ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ଦେବୁ ଆଉ ଟିକେ ମୋର ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋଭ ମହାପ୍ରସାଦରେ ମୁଁ କାଙ୍ଗାଳ ପୁରା ଯେଉଁମାନେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ସବୁ ଆସନ୍ତି ପୁରୀକୁ
ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ପଥରେ ମହାପ୍ରଭୁ କରିଥାନ୍ତି। ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଥ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନେଇଥାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଖାଲି କେବଳ ଏତିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବାର ଅଛି, ଯେମିତି ଆମ ଘରେ ମାଆ ବାପାଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାରିଲା ମାନେ ବିଛଣାରୁ ଉଠିଲା ମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିକି ହାତ ଟେକି ଦେବାର ଅଛି। ବିଛଣାକୁ ଶୋଇତେ ଗଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିକିରି ତାଙ୍କୁ ଶୋଇବାର ଅଛି। ସେତିକି ପ୍ରଭୁ ଦିନ ରାତି ତୁମକୁ ଲାଗିଲା, ଏତିକି କହିବାର ଅଛି। ଆଉ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ସେବାରେ ଯେମିତି ବଞ୍ଚିତ ନ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦିନ ମରିବି ବି ସେଇ ସେବା କରିକିରି ସ୍ୱାମୀ ସେବା କରିକି ମରେ, ମୋର ଏତିକି ବଡ଼ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ। ଆଉ କିଛି ଏ ଭକ୍ତିଭାବ ବା ଏ ଚେତନା ପାଇଁ କି ଭାବନା ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି। ଏଇ ଭାବନା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାବନା ଭିତରେ ଯିବ ଯାଉ। ହଁ ଏ ଯିବ ଯାଉ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ସେବା କରିକି ହିଁ ମୁଁ ମରେ, ଯେଉଁଦିନ ବି ମରିବି ଆଉ ମୋତେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ସେବାରୁ କେବେ ବି ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଏ, ମୋର ଏତିକି ଏତିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ। ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଏତିକି ମୋର ମାନେ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୁହାରି ମହାପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତି। ହଉ, ଏ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତିଭାବ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ସେ ଭକ୍ତିଭାବ ରହୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣଟି ଆମେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅନେକ ଭକ୍ତ ଅନେକ ଭକ୍ତିର କଥା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଠାକୁର ଗୋଟିଏ ଭାବ। ସମସ୍ତେ ସେଇ କାଳିଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ମାଗୁଣୀ ମାଗିଥାଏ, ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ମାଗୁଣୀକୁ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, 2023ର ସନ୍ଧ୍ୟା ବା ସାନ୍ଧ୍ୟ ଅଧିବେଶନର ଭକ୍ତଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଆଜି 23 ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିଲେ, ପୁଣି 24 ଆସିବ। ନୂଆ ଭକ୍ତ, ନୂଆ ଭାବନା, ନୂଆ ଚିନ୍ତା, ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ, ନୂଆ କଥା ଅନେକ ଆଣିଥାନ୍ତି। ସେ ସମୟକୁ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ତ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ରହିବେ। କାହିଁକି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ନା, ଇଂରାଜ ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଇଏ ନୁହେଁ। ଆମର ନୂଆ ବର୍ଷ ହେଉଛି ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆର ନବବର୍ଷ। ଅତି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଆମେ ପାଳନ କରିଥାଉ, ତଥାପି ଆମେ ପରମ୍ପରାକୁ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଆନନ୍ଦ ଆସିଲେ ବି ଅଖଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦଦାତା ସଦାନନ୍ଦଙ୍କୁ କେବେ ଭୁଲିବାନି। ଯେତେ ଚାକଚକ୍ୟ ଭିତରେ ଇଏ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତିଭାବକୁ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ରଖିବା। 2024 ତ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସେ 24 ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ମହାପ୍ରଭୁ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀକୁ ସେ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ, ନ୍ୟାୟରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ରାତି ସାରା, ଦୀପଟିଏ ହେଉ ଜାଳିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଏ ଭକ୍ତିରେ, ଏ ବିଶ୍ୱାସରେ, ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାରେ ଆଜି ରାତି ପାହୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ କହିଛି, ଆଜି ବି କହିବା, ସମସ୍ତେ କହିବା ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଇବା ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ହୃଦୟରୁ କହିବା ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ।